कुछ संगम एक और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर देखने को मिल रहा है, लेकिन दूसरे ओर वह विकास, वह सुशासन, वह समृद्धि, वह सुरक्षा झारखंड के बॉर्डर में आकर के अटक करके रह जाती है। कारण है यहां पर जो सरकार कार्य कर रही है उसके एजेंडे में विकास नहीं है, उसके एजेंडे में विरासत नहीं है, उसके एजेंडे में समृद्धि नहीं है, उसके एजेंडे में सुशासन नहीं है। याद करिए, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर 4 करोड़ गरीबों का एक एक मकान बन गया, 10 करोड़ गरीबों के घर में रसोई गैस के सिलेंडर और एक एक शौचालय पहुंच गया, 12 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि का लाभ प्राप्त हो रहा है। बहनों और भाइयों, 50 करोड़ लोग देश के अंदर 5 लाख रुपए प्रतिवर्ष आयुष्मान भारत में निःशुल्क स्वास्थ्य की सुविधा प्राप्त कर रहे हैं। और अब तो मोदी जी ने घोषणा कर दी है कि 70 वर्ष से ऊपर के प्रत्येक व्यक्ति को हर वर्ष 5 लाख रुपए का निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा का कवर उपलब्ध करवाएंगे, हर वर्ष 5 लाख रुपए निःशुल्क देंगे। 80 करोड़ लोग पिछले 4.5 वर्ष से फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं, और मोदी जी ने घोषणा कर दी है अगले 5 साल तक ये जारी रहेगा। बहनों और भाइयों, एक तरफ मोदी जी के नेतृत्व में गरीब कल्याणकारी योजनाएं, हाईवे, रेलवे, आईआईटी, आईएम, एम्स, वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज, हर घर नल की योजना, ये भी बिना भेदभाव के पहुंच रही है। देश की सीमाएं सुरक्षित हुई हैं। पहले पाकिस्तान और भारत के दुश्मन भारत की सीमाओं में घुसपैठ करते थे, विस्फोट करते थे, आज ऐसा नहीं है। नया भारत है, छेड़ता नहीं है, लेकिन कोई छेड़ता है तो उसको छोड़ता भी, कोई छेड़ेगा तो फिर उसको छोड़ेंगे भी नहीं। ये नया भारत है, और इसीलिए तो मैं कहने के लिए आया हूं, ये रोटी और बेटी का संकट, ये माटी का संकट जो खड़ा किया है कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा और आरजेडी ने झारखंड के अंदर, इसके लिए आपको अवगत कराना मेरा धर्म बनता है, क्योंकि हमारा तो पड़ोस का रिश्ता है, हमारा तो जन्म जन्मांतर का रिश्ता है, हम लोग तो एक भारत श्रेष्ठ भारत के पथगामी है, अनुगामी है, हम लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। बहनों और भाइयों, झारखंड की डेमोग्राफी चेंज की जा रही है, झारखंड के अंदर व्यापक पैमाने पे धर्मांतरण करने किए जा रहे हैं, लव जेहाद और लैंड जेहाद के नाम पर अराजक गतिविधियों को पनपाया जा रहा है, चाहे वह लव जेहाद हो या लैंड जेहाद या यहां की माटी और बेटी के लिए संकट खड़ा करने जा रहा है। यहां के नौजवान को नौकरी नहीं मिलती, लाखों नौजवान झारखंड छोड़ करके देश के अलग अलग भागों में नौकरी और रोजगार के लिए भटक रहा है, लेकिन यहां की सरकार को चिंता है, यहां की सरकार तो माफिया की गिरफ्त में है, खनन माफिया, बालू माफिया, वन माफिया, लैंड माफिया, पशु माफिया,
और माफिया का उपचार और घुसपैठियों का उपचार कोई है तो केवल भाजपा है। भाजपा आपने देखा होगा यूपी में भी 2017 के पहले ये माफिया ऐसे ही छाती तान करके चलते थे और पिछले 7 वर्ष में यूपी के अंदर यह किया गया कि माफिया को हम लोगों ने जहन्नुम की यात्रा में भेज दिया है। अब यूपी में माफिया नहीं है, अब यूपी में दंगा नहीं है, अब यूपी में कोई बेटी की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता। अगर बेटी की सुरक्षा के साथ कोई खिलवाड़ करता है तो पहले बता दिया जाता है कि भाई देखो अगर बेटी की सुरक्षा में सेंध लगाई तो अगले चौराहे पर यमराज टिकट काटने के लिए बैठा होगा। और इसीलिए बहन और भाइयों मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, याद करिए एक कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा या फिर एक आरजेडी की सरकार केंद्र में भी थी, कांग्रेस को लंबे समय तक शासन करने का अवसर मिला, क्यों नहीं उन्होंने विकास कराया, क्यों नहीं उन्होंने नौकरी दी, क्यों नहीं उन्होंने रोजगार का सृजन किया, एक गरीबों का कल्याण क्यों नहीं किया। आज तो भाजपा कह रही है कि 23 नवंबर को परिणाम आएंगे, कमल खिलेगा और कमल खिलते ही झारखंड की हर माता के खाते में हर महीने 2100 रुपया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने कहा है एलपीजी का सिलेंडर 500 रुपए में मिलेगा और साल में 2 मुफ्त में भी उपलब्ध करवाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि बेरोजगार नौजवान को जो ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट हो हर महीने 2000 रुपया देंगे बेरोजगारी भत्ता के रूप में। सरकार बनते ही पहली कैबिनेट में 1.5 लाख नौजवानों के लिए नौकरी के विज्ञापन जारी हो जाएंगे और सरकार ने भी घोषणा की है पीएम इंटर्नशिप स्कीम में यहां के नौजवानों के इंटर्नशिप के लिए 5000 रुपये हर महीने उपलब्ध करवाएंगे। बहनों और भाइयों ये काम कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने क्यों नहीं किया, ये विकास नहीं करा सकते, गरीबों का कल्याण नहीं करा सकते। भाजपा ने तो कहा है आएंगे 21 लाख गरीबों को एक एक आवास उपलब्ध करवाएंगे, 21 लाख गरीबों को। ये कहा मेरे तो गरीबों का हित नहीं कर सकते, बेटी और व्यापारी को सुरक्षा नहीं दे सकते और अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण भी नहीं कर सकते। कांग्रेस तो इस देश के अंदर शासन की 10 वर्ष तक